गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोना स्टार्ट सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सब्जेक्ट ज्यूरिसप्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ओके, ज्यूरिसप्रूडेंस, द वर्ड ज्यूरिसप्रूडेंस। ज्यूरिस मीन्स लॉ एंड प्रूडेंस मीन्स नॉलेज। व्हाई डू वी स्टडी दिस ज्यूरिसप्रूडेंस सब्जेक्ट? Interpretation and general laws. What is interpretation? Interpretation is interpreting something. Means the legislative body has make any act or a law which need to be interpreted. Because जब हम लोग एक्ट या लॉ पढ़ते हैं, जो एक्ट और लॉ है वो बहुत पहले के बने हुए हैं, 1947, 1950 के बने हुए लॉज हैं, ठीक है, जो हमारे फाउंडिंग फोर फादर्स ने बना के गए हैं। उस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही थी और जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया था, उस हिसाब से हमारे लॉज बने। तो इसीलिए हम लोगों का, और जो हमारा लॉ है वो हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। हमारे लॉ हैं जो पहले जो लॉज चलते थे वो आज की सोसाइटी में मैच नहीं कर पाते, इसके वजह से हम लोगों को करेक्टली इंटरप्रेट करना पड़ता है कि आज का वो लॉ है जो लोग उसको मिसयूज ना कर सके। क्या नहीं कर सके? मिसयूज ना कर सके। इसीलिए हम लोग इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। कौन करता है ये इंटरप्रिटेशन? हमारा जुडिशरी करता है, जज करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। हमारा हमारा सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन बोला जाता है, ठीक है। ज्यूरिसप्रूडेंस क्या होता है? पहले ज्यूरिसप्रूडेंस, कमिंग फॉरवर्ड टू दिस सब्जेक्ट, ज्यूरिसप्रूडेंस, ज्यूरिसप्रूडेंस हम लोग पढ़ते क्यों है? एक मोटिव है ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ने का। जैसे हर एक सब्जेक्ट का, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो बायोलॉजी ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री लो, कहाँ से ये चीज इवॉल्व हुई है। तो वैसे ही जो लॉज बने हैं वो लॉ कहाँ से इवॉल्व हुआ है? आपको कैसे पता है ये लॉ है? लॉ कहाँ से आया है? लॉ करता क्या है? लॉ का इवोल्यूशन क्या है? लॉ की हिस्ट्री क्या है? कैसे हम लोगों ने जाना कि वी नीड लॉ? लॉ है क्या? LAW हम लोग जब बोलते हैं लॉ, वी नीड टू अबाइड बाय आर लॉ, मीन्स ये लॉ होता क्या है? इसके पास इतनी पावर कहाँ से आई है? हम लोगों ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वी हैव गिवन आर सेल्फ आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लॉ आया कहाँ से? हम लोगों ने अपने आप को इतने सारे एक्ट्स के कंबाइंड बाइंडिंग रखा है, ये लॉ इतना बाइंडिंग क्यों है? हो सकता है वो रिवोल्ट हो जाए, लेकिन ये लॉ का इवोल्यूशन कहाँ से, किस पर्पस से ये लॉ है, ठीक है। वैसे ही हमारा इसी जो लॉ की पूरी हिस्ट्री को, कि लॉ कहाँ से इवॉल्व हुआ, लॉ कहाँ से हिस्ट्री बनाया, वो हमारा ज्यूरिसप्रूडेंस है। ज्यूरिस मीन्स लॉ एंड नॉलेज मीन्स, सॉरी, ज्यूरिस मीन्स लॉ एंड प्रूडेंस मीन्स नॉलेज, कि हम लोग की जो नॉलेज है कहाँ से हमारा लॉ इवॉल्व हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वी आर सेल्फ आर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम लोग अबाइड होंगे कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो पार्लियामेंट्री हो, पार्लियामेंट हो, या जो लेजिस्लेटिव बॉडी हो, या एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, या जुडिशरी बॉडी हो, या कोई भी यहाँ का, कोई भी इंडिया का कोई भी इंसान, या नॉन पर्सन, या ज्यूरिस्टिक पर्सन गवर्न हो रहा है, तो वो किससे गवर्न हो रहा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पास हमने इतनी पावर कहाँ से दी? ये कॉन्स्टिट्यूशन वैसा वर्ड आया कहाँ से? तो ज्यूरिसप्रूडेंस में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कैल्सन ने एक थ्योरी निकाली थी ग्रन नॉन की, इसीलिए हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रन नॉम कहा जाता है, ठीक है। बट वी विल कीप ऑन स्टडिंग व्हाट इज ज्यूरिसप्रूडेंस, ठीक है। अब सीएस के कोर्स में पहले तो सब्जेक्ट्स होंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स वी विल बी गोना स्टडी, सोर्सेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में क्या करेंगे? स्टैट्यूट मीन्स एन एक्ट विच नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड। ऐसे बहुत सारे लॉज होते हैं जिसमें हम लोग लेजिस्लेटिव तो लिख देता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव अपने पार्लियामेंट में जब बनाता है लॉ, तो लोकसभा राज्यसभा में तो बना देता है लॉ, ठीक है, प्रेसिडेंट एक्सेंट भी ले लेता है। तो वो जब लॉ बनाता है, ठीक है, अप्लाई कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव बॉडी करेगा, ठीक है। और फिर हम लोग का इंटरप्रिटेशन कि क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको इंटरप्रेट कौन करेगा? कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता एक्ट के, ठीक है। अगर आप कोई इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई गलत काम कर रहे हैं या इनकम को इवेड कर रहे हैं, तो कौन पकड़ेगा? कौन बोलेगा कि हाँ इवेजन हुआ है आपका? अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हुए हैं और वो आपको
आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक नहीं मेंशन किया है, तो आपको कैसे पता चलेगा? लेकिन तब भी आप जानते हैं कि मेरा ये फंडामेंटल राइट है, बेसिक नेसेसिटी है, तो आपका इंफ्रिंज हुआ है, तो आप किसके पास जाएंगे, कैसे जाएंगे? कोर्ट के पास जाएंगे। अब कोर्ट कैसे आपको हक देगा जब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा ही नहीं है? तो वो उसको इंटरप्रेट करता है, स्टैट्यूट को, एक्ट को इंटरप्रेट करता है कि इसमें से क्या तर्क निकालना चाहिए, क्या मतलब निकालना चाहिए, क्या मतलब था हमारा उस टाइम पे जब फाउंडिंग फादर्स ने जब एक्ट बनाया था, तो वो कैसे इंटरप्रेट किया जाए, ओके? कि क्या हित में होना चाहिए हमारी सोसाइटी। किसी का मिस्चीफ रूल्स नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम लोग तीन रूल पढ़ेंगे, एक लिटरल मीनिंग पढ़ेंगे, इस मिस्चीफ पढ़ेंगे और एक गोल्डन रूल पढ़ेंगे। मिस्चीफ की कोई भी अगर उस लॉ का कोई मिसयूज कर रहा है, तो उस मिस्चीफ को हटा के उन लोगों का एक्चुअल जो उसका पर्पस था एक्ट का, उसको दे दिया जाएगा, ठीक है? उसमें हम लोग इंटरनल एड एक्सटर्नल एड भी पढ़ने वाले हैं। जनरल क्लॉज एक्ट। अब जनरल क्लॉज एक्ट क्या होता है? जनरल क्लॉज एक्ट ये कहता है, ये एक ऐसा एक्ट बनाया गया था जहां पे सारी मीनिंग, अगर कहीं पे भी कोई भी एक्ट हो, कोई भी स्टैट्यूट हो, कोई भी बायलॉज हो, कोई भी रूल्स हो, अगर कोई वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, उसका आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि उसका बेंचमार्क क्या है, उसकी डिमार्केशन क्या है, तो वो हम लोग जनरल क्लॉज एक्ट से मीनिंग इंटरप्रेट करेंगे। उसमें सारी मीनिंग दी हुई है कि इस मीनिंग ये इंटरप्रेट की जाएगी अगर उस एक्ट में ये मेंशन नहीं किया गया, ठीक है? और एक्ट में भी काफी जगह लिखा जाता है कि ये वर्ड का मीनिंग हम लोग जनरल क्लॉज एक्ट से पढ़ेंगे। कोई भी आप बुक उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी अगर जनरल क्लॉज का लिखा होगा, तो मतलब उसका मीनिंग हम लोग उस एक्ट से निकालेंगे जो जनरल क्लॉज एक्ट में दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों पढ़ते हैं? अब हम लोग लेजिस्लेटिव पावर तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल लेते हैं, ठीक है, कि पार्लियामेंट में लोकसभा की क्या पावर्स है, राज्यसभा की क्या पावर है, प्रेसिडेंट की क्या पावर है, वाइस प्रेसिडेंट की क्या पावर है, चीफ मिनिस्टर की क्या पावर है, कैसे इनकी प्रोसीजर चलेगा, कैसे इनका बिल पास होगा, कैसे एक्ट पास होगा, ये सब लेजिस्लेटिव पावर उसमें मेंशन की है। लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर, जो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, तो उनका लॉ कहाँ है? उनका लॉ हमारे इसमें दिया है कि कोई भी मिसयूज नहीं होना चाहिए, जो हमारे स्टैट्यूट में पावर दिया है उसका एक्सेसिव पावर नहीं यूज करना चाहिए, कि उन लोग उनपे ये लॉ बनाया गया कि उनको कैसे गाइड करना है, उनपे कैसे हम लोग को वाद लाना है, ठीक है? लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट क्या होता है? लॉ ऑफ टॉट एक प्रीसिडेंट फॉर्मेशन है जो हमारे इंग्लैंड और दूसरे कंट्री से लिया गया है, कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो हमारा सिविल रेमेडी नहीं बन रहा है, सिविल लॉज के अंदर नहीं आ रहा है, जो अगर बेयर एक्ट उसका है, अगर उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो या फिर उसका कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ऐसा कोई अलग से रॉन्ग जो उसके साथ हुआ है, तो वो हम लोग लॉ ऑफ टॉट में पढ़ने वाले। लिमिटेशन एक्ट कि हम लोग डेफिनेटली व्हेनेवर वी स्टडी कि हम लोग लॉज क्या होते हैं, जब हम लोग लॉस की बात करते हैं, लॉस की बात कर रहे हैं, जब हम लोग लॉस की बात करते हैं, जब हम लोग लॉस की बात कर रहे हैं, तो आप कभी भी, आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ, आपका कोई फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हुआ है, या फिर आपका कोई केस है, ठीक है, सिविल केस है, किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके पास क्या टाइम तक आप उस पे केस कर सकते हैं? आप ऐसा तो नहीं कर सकते 10 साल बाद आपको कॉन्शियस आया कि हाँ चलो केस ठोकते हैं, अब 10 साल बाद, तो कोर्ट फ्री तो बैठा नहीं है यहाँ पे कि हाँ आप 10 साल बाद आएंगे तब भी आपको जस्टिस मिलेगा। नहीं, इसका एक सबसे मेजर एक मैक्सिम है कि वो ये बोलता है कि कोई भी लॉ है वो तभी उसको देगा जब वो इंसान जो एग्री पार्टी है वो कॉन्शियस होगा, वो एक्टिव होगा, तभी उसको जस्टिस मिलेगा। उन बंदों को जस्टिस नहीं मिलता जो एक्टिव नहीं है अपने राइट्स को के लिए, ठीक है? सिविल प्रोसीजर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का कोई एग्रीमेंट है या लॉ है, ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो हम लोग सीपीसी में पढ़ने वाले हैं। आईपीसी इज फॉर द क्रिमिनल ऑफेंसेस। सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज। वन इज सब्सटेंशियल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, एंड सेकेंड इज प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंशियल लॉ टेल्स अबाउट द राइट
एंड ड्यूटीज ऑफ पर्सन। सब्सटेंटिव लॉ जैसे कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है कि राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, कि आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, या कोअर्जन नहीं करना, या मिस्टेक नहीं करना, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना, कंसेंट होनी चाहिए, दोनों पार्टी का एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ऐसी सारी चीजें जो हमारे सिविल लॉ में बताई गई हैं, जो हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज बताती है कि हमारी क्या राइट्स है कि और क्या ड्यूटीज है अदर पार्टी के टूवर्ड्स। अगर मेरी राइट है कि हमको टाइमली रीजनेबल टाइम के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीशन चाहिए, तो ये मेरी राइट है। अगर ये नहीं होता है तो हम जाके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और ड्यूटी क्या है कि हम लोग उसको, अगर उन्होंने कोई कंडीशन रखी है कि ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी एग्रीमेंट होगा, और आपने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं किया और वो एक्सपेक्ट, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई डिफॉल्ट किया, नहीं, जब आपने वो कंडीशन ही नहीं फुलफिल की, तो उनको कैसे हामी मिलेगी कि हाँ उनको आप कॉन्ट्रैक्ट रेसिप्रोकेट करना है, ठीक है। तो ये ड्यूटी भी है, जहां राइट होगा वहां हमारी ड्यूटी होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ते हैं। अगर हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम लोग क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हम लोग को अपना इन्वायरमेंट क्लीन रखना है। और ये डीपीएचपी है भी है, स्टेट पॉलिसी भी है कि वहां पे स्टेट को सफाई रखनी है। तो ये क्या है, जहां राइट है वहां ड्यूटी भी है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेरी राइट है और कोई ड्यूटी नहीं है, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। जहां आपकी राइट है वहां अदर टूवर्ड पे हम लोग को ड्यूटी भी है, इक्वेलेंट है। ये नहीं करना कि हम लोग एक ही तरफ से राइट मांगने जाएंगे और दूसरी तरफ से ड्यूटी नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग। तब कोर्ट आपको जस्टिस नहीं दे सकता, ठीक है। प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होता है, जो लॉ प्रोसीजर बताता है। जैसे अगर आपको सीआर, अगर आपके साथ कोई कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, आईपीसी में बताया गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऐसे ऐसे इस सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, आपको पता चल गया कि हाँ मेरे साथ वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है सेक्शन 354 के अंदर, ठीक है। लेकिन अब आपको कैसे पता कि अब हमको कहाँ जाना, आप सीधा हाईकोर्ट तो नहीं जाओगे, ना आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे, एक हायरार्की है ना, जैसे कंपनी की आप लोगों ने पढ़ा होगा चेन ऑफ कमांड होता है, जैसे चेन ऑफ कमांड होता है कि जब कमांड है, जो कमांड हम लोग को लेना है या देना है, वो उसकी एक हायरार्की होती है। आप डायरेक्टली सीईओ के पास नहीं जा सकते कोई प्रॉब्लम बताने, आप पहले मैनेजर के पास जाओगे, मैनेजर अपने अपर सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाएगा, फिर वो सुपीरियर सीईओ के पास जाएगा। तो एक हायरार्की है, चेन ऑफ कमांड है, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे ही प्रोसीजर लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि एक प्रोसीजर है, एक हायरार्की है जो हम लोग को फॉलो करनी है, ओके। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन बहुत स्पेसिफिक सब्सटैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ में आप जाते हैं। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कैसे हाई कोर्ट जा सकते हैं, कैसे कहाँ जा सकते हैं। बट प्रोसीजर में क्या है, अगर आपके पास साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो आप पहले पुलिस स्टेशन जाओगे ना एफआईआर लिखवाने के लिए, पहले तो आप पुलिस स्टेशन जाओगे, पुलिस स्टेशन जाओगे, एफआईआर लिखवाओगे, आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है, फिर प्रोसीडिंग शुरू होगी क्रिमिनल कोर्ट में, ओके, ठीक है। तो वो प्रोसीजर लॉ कि वो बता रहे कि क्या हायरार्की है जिसमें हमको कमांड देनी है, कैसे कैसे प्रोसीजर है कि अगर हम आईपीसी में मेरे साथ चोरी हुई है तो कैसे हम कोर्ट पहले हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस वाले को बताएंगे कि भाई ये मेरी चोरी हुई है, वो पहले सर्च करेगा कि कहाँ कहाँ, इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट बनाएगा, फिर चार्जशीट फिर मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी, फिर वो इंक्वायरी बैठेगी, फिर वो ट्रायल चलेगा। ये प्रोसीजर है, आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, आप सीधा ट्रायल में नहीं जा सकते कि हाँ चलो एकदम ही पहले ट्रायल करना शुरू कर दे, फिर आप चार्जशीट बनाएंगे, फिर आप इन्वेस्टिगेशन, नहीं, देयर इज ऑलवेज अ प्रोसीजर, यू नीड टू फॉलो दैट प्रोसीजर, यू कांट डायरेक्टली स्विच टू ट्रायल, ओके। इंडियन एविडेंस, व्हाट एविडेंस आर नीड टू बी कलेक्टेड, ठीक है। अब एविडेंस कुछ एडमिसरेबल भी होते हैं, रेलिवेंट भी होते हैं, लेकिन एडमिसरेबल होंगे कि नहीं होंगे। अब जैसे कन्फेशन की बात की जाए, अगर आप पुलिस स्टेशन में कोई कन्फेशन करते हैं तो क्या वो एडमिसरेबल है, अगर पुलिस वाले के सामने आपने बोल दिया कि हाँ मैंने चोरी की है, ठीक है, तो क्या हम उसको जाके मैजिस्ट्रेट के सामने बोल, मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वाला ये बोल देगा कि हाँ इन्होंने कन्फेस किया और इनको वो कर दीजिए, पनिश कर दीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल। एवरी वन हैज राइट टू बी हर्ड,
एवरी ऑल द इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री हैज नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विच इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ विच राइट नाउ वी हैव कम अप विद. स्पेशल कोर्ट ट्रिब्यूनल्स अंडर द कंपनीज एक्ट एंड अदर लेजिस्लेटिव. बहुत सारे स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बने हैं फॉर स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंसर्न, जैसे कंपनीज का बना है, लेबर का बना है, अदर्स. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट वो होता है जब एक्ट को हम लोग, आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये हमारा इसीलिए आया क्योंकि इतने सारे जो लोग हैं वो जस्टिस मांगने जा रहे हैं कोर्ट में. कोर्ट में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, ठीक है, बहुत सारे केस पेंडिंग चले जा रहे हैं, बहुत लंबा टाइम चल रहा है केस चलने में, 10-10 साल लग जाते हैं. तो इसीलिए आर्बिट्रेशन एक फॉर्म ऑफ सेटलमेंट. व्हेन वी से सेटलमेंट, अब यहाँ पे सेटलमेंट कैसे होगा मैम? ऐसे होगा कि एक बंदे को, जब दो पार्टीज है, दो पार्टीज, बोथ द पार्टीज आर एग्रीइंग, क्या एग्री करते हैं कि जो सॉलिसिटर बैठेगा या जो आर्बिट्रेटर बैठेगा वो जो भी डिसीजन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस जो हम लोग दिखाएंगे कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है कि मेरे साथ गलत, वो जो भी डिसीजन लेगा वो हम लोग पे बाइंडिंग होगा. ये पर्पस क्या है? हमारा टाइम सेव करना. कोई भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अब उनके पास इतना फ्री तो टाइम है नहीं कि वो 10-10 साल केस चलाएंगे, नहीं, उनको स्पीडी रेमेडी चाहिए. अब स्पीडी रेमेडी चाहिए तो उन्होंने आर्बिट्रेशन क्लॉज डालते हैं वो एग्रीमेंट में. जब आर्बिट्रेशन क्लॉज डालते हैं तो वो प्राइवेट जज, इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट जज, दिस इज नॉट द टर्मिनोलॉजी, बट एक प्राइवेट जज बैठता, ठीक है, कि एक फॉर्म ऑफ प्राइवेट जज है. क्या है जज? जज क्या करता है? जो दोनों एविडेंसेस को देखता है, वो प्रूफ देखता है कि हाँ क्या इसके साथ गलत हुआ है, किसके साथ सही हुआ है, वो देख के जजमेंट पास करता है. तो वैसे ही ऑल का जो जजमेंट है वो बाइंडिंग होता है. तो वैसे ही आर्बिट्रेशन का हम लोग का एक जज बैठता है, विच इज अ प्राइवेट जज, क्योंकि वो गवर्नमेंट तो हो नहीं सकता. वो दोनों पार्टीज के एग्रीमेंट पे वो बंदा बैठता है. अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी एग्री नहीं हो रहा है कि दे डोंट ट्रस्ट द आर्बिट्रेटर, ही इज बायस, तो वो नहीं बैठ सकता, वो जजमेंट नहीं दे सकता. ओके, तो इसलिए बोथ द पार्टीज हैव टू एग्री कि एक सॉलिड आर्बिट्रेटर बैठेगा और वो जो भी एग्रीमेंट देगा वो उन पे बाइंडिंग होगा. आज जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन टर्मिनल टेक्नोलॉजी है, ये सब थोड़ी थोड़ी सी बेर एक्ट है, छोटे छोटे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ वी कम अपॉन द सब्जेक्ट दैट इज ज्यूरिसप्रूडेंस. Sources of law. Sources law of law we say as jurisprudence. Okay. Sources of law. Sources क्या law का source है, ठीक है. अब हमारे हिंदू कल्चर में हमारे गीता को सोर्स माना जाता है और महाभारत को सोर्स माना जाता है. तो ये हमारे सोर्सेज है जिससे हमारे जो ancestors और हम लोग हिंदू कल्चर अबाइड होता है, वो बाइंडिंग इफेक्ट देता है कि हम लोग को अपने जो मॉरल वैल्यूज है इनसे सीखने चाहिए, ठीक है. तभी ना हम लोग हिंदू कहलाते हैं. जैसे मुस्लिम है, उनके लिए क्या है? कुरान है, वो सोर्स ऑफ लॉ है, सोर्स ऑफ हिंदू मुस्लिम कल्चर है. तो क्या है कि उनकी एग्जिस्टेंस वहां से आई हुई है, ठीक है. क्या सोर्स है हमारा लॉ आने का? कहां से? वही मैंने कहा, ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है या सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, कि कहां से ये लॉ आया जो हम लोग कंपनी लॉ पढ़ते हैं, जो हम लोग लेबर लॉ पढ़ते हैं, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं, सिविल लॉ पढ़ते हैं, क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं, ये सब आया कहां से? ये लॉ वर्ड क्या है? ये सोर्सेज ऑफ लॉ में हम लोग ये जाने कि ये लॉ जो है, ये तीन वर्ड का कहां से इंटरप्रिटेशन आया? ये जहां से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बाइंडिंग इफेक्ट देते हैं, ये कहां से आया, कैसे आया, ये लॉ बना, लॉ है क्या? विल अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस, कि अगर ह्यूमन है, हम लोग ह्यूमन है, ठीक है, हम लोग का इवोल्यूशन कैसे हुआ? हम लोग पहले एप्स थे, फिर हम लोग धीरे धीरे डेवलप हुए, फिर हम लोगों ने धीरे धीरे अपने लाइफ जीना शुरू किया, जंगलों में जिए, फिर वो आपने सुना होगा जो ब्रिक्स, जो स्टोन से हम लोगों ने आग जलाना. तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ ना ह्यूमन का, ह्यूमन का एप से सीधा इवोल्यूशन. अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, लेकिन हमारा इवोल्यूशन कहां से हुआ? हम लोग एप से पहले, कहा जाता है एप से यहां तक पहुंचे, ठीक है, हम लोगों ने लाइफ जीना धीरे धीरे शुरू किया, ठीक है. तो हमारी जो इवोल्यूशन है वो हम लोग सोर्सेज ऑफ लॉ में, आई मीन ज्यूरिसप्रूडेंस में पढ़ने वाले.
तो पहले ये सब इंट्रोडक्शन है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट वील अंडरस्टैंड कि किसने किसने हमें थ्योरी दी, ठीक है, थ्योरी समझेंगे तो उस हिसाब से हम लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हम लोग सोर्सेस ऑफ लॉ जानेंगे तो उसमें होता है एक नेचुरल लॉ, हम लोग इसमें फाइव स्कूल्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फाइव स्कूल्स पढ़ेंगे। अब फाइव स्कूल्स क्या है, एक नेचुरल है जो ये बोलता है कि जो गॉड है उनके जो रीजन है जिसके गॉड हम लोग अबाइड करते हैं, चीजों से हम लोग गवर्न होते हैं, वो हमारा नेचुरल लॉ में आएगा, ठीक है। नेचुरल स्कूल के अंदर वो लोग स्कॉलर्स होते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जो गॉड बोल रहे हैं और जो गॉड की बातें हमारे पास वही लॉ है, ठीक है। नेचुरल लॉ ये कहता है, पॉजिटिव लॉ क्या कहता है, लॉ ये पॉजिटिव लॉ कहता है कि वो सिर्फ पॉजिटिव है, मतलब जो लॉ आज है लॉ इट इज, इस पे बात करता है। पूरे जो जितने भी स्कॉलर, जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं जो जिनके जिनकी हम लोगों ने थ्योरियां पढ़नी है, थ्योरिस्ट जो भी है, वो लोग पॉजिटिव थिंकर्स है, वो ये सोचते हैं कि लॉ जो आज है, जो आज गवर्न हो रहे, वही लॉ है, वही जो है वही सिर्फ है, उसके अलावा जो आगे सोसाइटी चेंज हो रहा है, सोसाइटी से इफेक्ट हो रहे हैं और सोसाइटी चेंज होती है उस हिसाब से लॉ बदल रहे हैं, उन पे वो ये पूरे जितने भी यहाँ पे हम लोग स्कॉलर्स पढ़ेंगे वो ये बिलीव नहीं करते, जितने भी, ठीक है। हिस्टोरिकल हिस्ट्री, हिस्टोरिकल थिंकर्स कौन है यहाँ पे, जो हिस्ट्री में बिलीव करते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री में जो हमारे कस्टम्स हैं, ये हिस्ट्री में क्या है, हमारे रिचुअल्स कस्टम जो चले आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों को जब किसी की डेथ होती है तो हम लोग बाल मुंडवाते हैं, शेव कराते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग शेव कराते हैं तो ये क्या है, ये क्या मैंडेटरी है, कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं ग्रंथों में लिखा हुआ है, कहाँ है, कहीं तो नहीं है, अगर हो सकता हो, लेकिन ये क्या है, कस्टम चला आ रहा है कि हम लोग बाल शेव करवाते हैं, लड़के बाल शेव करवाते हैं जब किसी की डेथ हो, तो ये क्या है, कस्टम है जो आज भी चला आ रहा है, तो ये लॉ बन गया, ठीक है। अब कहीं पे भी हम लोगों ने अपने ग्रंथों में पढ़ा है कि हाँ चलो ठीक है, सात फेरे लेने से शादी हो जाती है, सात फेरे लेने से शादी हो जाती है। आपको पता है ये कस्टम कहाँ से शुरू हुआ, डू यू नो, डू यू एवर थिंक, ये जो कस्टम है सात फेरे वाला, सात चक्कर करने वाला, इन द फ्रंट ऑफ, इन द फ्रंट ऑफ होली फायर, तो ये सब क्या कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, हमारे कस्टम से कहाँ से शुरू हुआ है, आप लोग जस्ट इमेजिन करिए, इमेमोरेबल है, हम लोग याद भी नहीं कर सकते कि हमारा जो सात फेरे हैं वो कहाँ से शुरू हुआ। अब हमारे जो हिंदू मैरिज एक्ट में ये रिफ्लेक्ट करता है अंडर आर्टिकल सेक्शन सेवन, सॉरी नॉट आर्टिकल, सेक्शन सेवन में रिफ्लेक्ट करता है, ओके। सोशियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल का अगर हम उसको डिवाइड करेंगे वर्ड को, सोसाइटी वर्ड आ रहा है कि हम लोग का जो लॉ है वो किससे गवर्न हो रहा है, सोसाइटी से, जैसे सोसाइटी की जो नीड्स है, जो इंटरेस्ट है, जैसे इंडिविजुअल नीड्स है, हमारे पब्लिक नीड्स है, ठीक है, ये सारे जो नीड्स हैं उससे हम लोग इफेक्ट हो रहे, ठीक है। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब जज मेड लॉज। अब देखो हमारे जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव बैठती है, ठीक है, अब वो अपने लॉज बना देती है, ठीक है, लोकसभा ने किया, राज्यसभा ने किया, फिर प्रेसिडेंट की असेंट ले ली, ठीक है, प्रेसिडेंट की असेंट ले ली, फिर अब वो जो लॉ है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसमें कोई डिस्प्यूट आती है एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव के एनफोर्समेंट में, जो लॉ बनाया गया है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो तो एनफोर्समेंट चेक नहीं कर रही है, चेक कौन करेगा, करने वाला कौन है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब वो जो क्लैश करेगा सोसाइटी में, क्या ये जो लॉ बनाएगी और क्या वो क्लैश कर रहा है कि नहीं क्लैश कर रहा, ठीक है, तो क्लैश कर, अगर वो ज्यादा क्लैश करेगा तो कोई भी इंडिविजुअल जो एग्रीव्ड होगा वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से कि क्या वो लॉ ज्यादा हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, क्या ये हमारी सोसाइटी में बैठ नहीं पा रहा है कि क्या, ठीक है। तो वैसे ही जैसे अब अडल्ट्री की बात करें, अडल्ट्री पहले एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था, ठीक है, तब से बहुत सालों से वो लॉ क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी में ये अब हो रहा है कि भाई मेरा हक है, मेरी राइट टू चॉइस है कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं, अगर वो भी हमको, उसको भी हम क्रिमिनल ऑफेंस बना देंगे तो मेरे पास जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो इंफ्रिंज हो रही है। तो वही बात कही गई थी
अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाने में, कि ये राइट टू इंफ्रिंजमेंट ऑफ प्रिवेसी है, अपनी चॉइस है भाई, मेरी चॉइस है हम किसके साथ रहना चाहते हैं कि किसके साथ नहीं रहना चाहते। तब जब सोसाइटी चेंज हुई, पहले भी सोसाइटी चेंज हो रही थी, लेकिन जब बहुत ज्यादा वो हार्म होने लगे, बहुत सारे केसेस पे केसेस आने लगे, तो उसको और सोसाइटी को मैच करने के कि अब ये सोसाइटी की जो थिंकिंग है वो चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो उसके इवोल्यूशन के साथ ही हमको अपने जो लॉज है उसको भी चेंज करना है। इसीलिए जज ने क्या किया, जुडिशरी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस अडल्ट्री को एज अ क्रिमिनल ऑफेंस उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, लेकिन ग्राउंड दिया डिवोर्स का, ठीक है, सी द ब्यूटी ऑफ द मेकिंग कि उसको क्रिमिनल ऑफेंस हटा दिया, क्योंकि वो पार्ट गलत था, उसको ऑफेंस डिक्लेयर करना, उसको ऑफेंस डिक्लेयर करना, उसको पनिश करना फॉर राइट टू चूज कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं, तो उस ऑफेंस को हटा दिया, बट दूसरी तरफ ही उसको डिवोर्स रहने दिया, ग्राउंड ऑफ डिवोर्स रहने दिया। अगर कोई अडल्ट्री कर रहा है तो उसके पास ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है, क्योंकि अगले पार्टनर के साथ गलत ना हो। तो ये क्या है, ब्यूटी है, सोसाइटी चेंज हो रही है, इवोल्यूशन है। तो जो हम लोग सोर्सेज ऑफ लॉ देखने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ देखना नहीं है, हम लोग को ये देखना है कि क्या एसेंस है हमारे, जो ये सोर्सेज ऑफ लॉ में जो हम लोग पूरा ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ने वाले हैं, उस ज्यूरिसप्रूडेंस का एसेंस क्या आ रहा है हमारे सोसाइटी में, हमारे जो एक्ट्स बन रहे, क्योंकि भाई लॉ है। अब लॉ से जो मतलब निकालने लॉ का, इन्हीं थ्योरीज के अराउंड जब हम बताएंगे, इन्हीं थ्योरीज के अराउंड ही हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन, सारे एक्ट्स रिवॉल्व करते हैं, कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी रिफ्लेक्ट करती ही है हमारे। तो इसीलिए सबसे पहले हमारा पढ़ना ये जरूरी है कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, ठीक है। ठीक, ज्यूरिसप्रूडेंस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ज्यूरिस मीनिंग लॉ, and prudence derived from the meaning knowledge. Jurisprudence is a study of science of law. जब हम वही मैंने बोला जो साइंस है कहां से इवोल्यूशन हुई है, ठीक है। स्टडी ऑफ लॉ इन jurisprudence इज नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर statute. वो एक statute की बात नहीं कर रहा है, as I said before, but a law in general, its concept, its principles and its philosophy underpinning it. जो philosophy है कि कहां से ये चीज evolve हुई, कहां से ये word law evolve हुआ. According to B.A.E. King, jurisprudence is not concerned with the exposition of law but disquisition about the law. For example, substantial laws teach us about our rights, duties, obligations and procedural law talks about the legal process through which those rights can be imposed or obligation met. But jurisprudence, as I said before, there are two types of law, substantial law and procedural law. And it has been defined. For example, substantial law teaches us about the rights, duties and obligations. And procedural law talks about the legal process. कि पहले FIR लॉन्च करिए, फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर बाद में चार्जशीट फाइल होगी, फिर बाद वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी, फिर वो इंक्वायरी होगी, फिर जाके वो ट्रायल स्टार्ट होगा, फिर उससे पहले फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे, ठीक है, थ्रू विच राइट कैन बी इम्पोज और ऑब्लिगेटेड मेंट। बट ज्यूरिसप्रूडेंस वुड गो इनटू एनालिसिस ऑफ व्हाट राइट्स एंड ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। अब एक बात बताइए, जो मॉरल ड्यूटी है हमारी कि अगर कोई हमारे सामने बेगर आ रहा है तो उसको खाना देना, अगर हमने उसको खाना नहीं दिया, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन, अगर हमने उनको खाना नहीं दिया तो क्या हमको वो खींच सकता है कोर्ट में? नहीं खींच सकता, क्योंकि वो मॉरल ड्यूटी है। तो यही हम लोग को ज्यूरिसप्रूडेंस में डिसाइड करना है, ज्यूरिसप्रूडेंस में हम लोग पढ़ने वाले कि कौन से ऐसे राइट्स हैं, कौन से ऐसे ड्यूटीज हैं जो हमारे ऑब्लिगेशंस ला रहे हैं, ऐसी राइट जिसमें हम लोग लॉ बनाएंगे। कोई मॉरल ड्यूटी का कहीं पे भी लॉ बनाया हुआ है? कहां कोई पनिशमेंट दी गई है कि अगर आपने बेगर को खाना दिया तो आपको 1 साल की सजा? ऐसा कहीं नहीं लिखा ना, क्योंकि हमारे मॉरल ड्यूटीज है, ये हमारे जो कस्टम्स है वो से रिफ्लेक्ट होती है कि हम लोग जो कर्म करेंगे वही फल खाएंगे, ठीक है, फल पाएंगे। हाउ एंड वाई डू दे इमर्ज इन सोसाइटी, क्यों वो इमर्ज कर रहे हैं, कैसे वो सोसाइटी के साथ चल रहे, हम लोग इस पर पूरा स्टडी करने वाले, तभी आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ या फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंटरप्रिटेशन ये कैसे समझेंगे, सारे लॉ है ये कहां से इवॉल्व हुए वो तो पहले समझना पड़ेगा ना, फिर हम लोग ज्यूरिसप्रूडेंस, फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ने वाले। डिफरेंट ज्यूरिस लीगल फिलोसोफर हैव यूज द टर्म इन डिफरेंट वेज, द मीनिंग ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
एज अ बाउंड्री ऑफ डिसिप्लिन आर नॉट रिजिड। जो डिसिप्लिन है, जो हमारे जो चीजें से हम लोग, हमारा जो लॉ है वो इफेक्ट होता है, जैसे हम लोग कोई भी बिजनेस में पढ़ते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, तो वैसे ही जो हमारा लॉ है उनकी भी सोसाइटी है, उनका भी एक इन्वायरमेंट है जिससे वो इफेक्ट होगा। ठीक है, अब हमारी सोसाइटी चेंज हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे लॉ को मोल्ड आउट होना। ठीक है, इन इंग्लैंड जूरिसप्रूडेंस केम क्लोज टू मीन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एन एनालिसिस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ एंड इट्स कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑफ एनालिटिकल एक्सपोजिशन डन बाय बेंथम एंड ऑस्टिन हु इज द पायनर्स। पायनर्स मीन्स इंपॉर्टेंट। इन इंग्लैंड जूरिसप्रूडेंस केम क्लोज टू द मीन टू एक्सक्लूसिव एंड एनालिसिस, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जब हम लोग ऑस्टिन और बेंथन की थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी कि ऑस्टिन और बेंथन की थ्योरी क्या थी। ये लोग थे एनालिटिकल स्कूल के, आई मीन पॉजिटिव स्कूल के थे, तो पॉजिटिव स्कूल वाले क्या सोचते हैं कि लॉ आज जो है वही लॉ है जो फ्यूचर में या सोसाइटी से जो इफेक्ट करने वाले, या डायनेमिक अप्रोच नहीं रखते, आगे जो लॉ आने वाला उनसे कोई मतलब है, जो आज लॉ हमने पास कर दिया, लेजिस्लेटिव ने पास कर दिया, वही लॉ, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो इफेक्ट नहीं हो सकता। पूरा एनालिटिकल स्कूल यही सोचता था। तो वही इंग्लैंड का यही सोच थी कि जो हमारा जो फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ बना देंगे कि वो इतना रिजिड है कि वो बार बार चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जॉन ऑस्टिन। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज द फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। ओके, आप लोग की जो लॉन्ग में है थ्योरीज वो है दो स्कूल्स की, एक है एनालिटिकल स्कूल और एक है सोशियोलॉजिकल। इसमें एनालिटिकल में आप लोग पढ़ने वाले ऑस्टिन, बेंथम, पाउंड एंड सैलमन, और सोशियोलॉजी में आप लोग, सॉरी आई एम सो सॉरी, कैल्सन है और ये पाउंड है, रॉस्को पाउंड। ओके, इन सारे जो एनालिटिकल स्कूल है, ये सारे जो ऑथर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, इनकी यही थिंकिंग के है कि लॉ इट इज, मतलब जो आज लॉ है वही लॉ है, लॉ ऑट टू बी, कोई लॉ नहीं। ठीक है, ये चारों, दीज ऑल द फोर ऑथर्स विल रिवॉल्व देयर थ्योरी अराउंड दिस टू कॉन्सेप्ट, कि लॉ इट इज की बात की है, लॉ ऑट टू बी को डिनाइल किया है। कुछ ऑथर्स ने ये बात मानी है कि हाँ लॉ ऑट टू बी एक लॉ है, बट अभी के लिए बाइंडिंग इफेक्ट सिर्फ लॉ इट इज की है, नॉट लॉ ऑट टू बी। माना है कि हाँ ऐसा भी कुछ लॉ होता है लेकिन वो इम्प्रॉपर है, मतलब वो कंप्लीट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो उसको हम एज अ लॉ नहीं माने। तो ये चारों स्कॉलर्स की थ्योरी इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगी। और जो पाउंड है वो हमारे सोशियोलॉजी की बात है, सोसाइटी की, इनकी पूरी थ्योरी सोसाइटी पे डिपेंड। ठीक है, अब जब सोसाइटी पे डिपेंड कर रही है तो वो लॉ टू बी की बात करेगी, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है तो लॉ टू बी की, लॉ टू की भी तो क्लियरेंस बात कर रहा है। अब जॉन ऑस्टिन, नोटेड लीगल थ्योरिस्ट, वॉज द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ चेयर ऑफ जूरिसप्रूडेंस। He was known as the father of analytical school at the University of London. Before coming on the Austin theory, I would like to explain something. जब भी कोई थ्योरी देता है, कोई भी थ्योरी देता है, कोई भी इंसान अपने एनवायरमेंट में जो रहता है उस हिसाब से वो सोचता है, करेक्ट? अगर मेरी एनवायरमेंट है कि हम फॉरेन में, ठीक है, तो हम फॉरेन के कल्चर्स को एक्सेप्ट करेंगे, हम इंडियन के जो कस्टम्स हैं उनकी ड्यूटी को उतना रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मेरी फॉरेन अपब्रिंगिंग रही, ठीक है, अगर हम कोई फॉरेन में ही रहते हैं तो फॉरेन की थिंकिंग मेरे लिए सही होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ सोसाइटीज में एक्सेप्टेबल नहीं होता, लेकिन वी नो दैट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट देन डू वी डू समथिंग,
बाहर वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पे चीजें एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि हमारे जो एक्ट्स बने हैं वो हमारे इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग बने, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग बने, हमारे यहाँ पे फॉरेन कल्चर अबाइड नहीं हो सकते। तो मेरा मतलब ये है समझाने का कि अगर हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसी सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोचते हैं, हाँ हो सकता है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट सोचे कि सोसाइटी ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, जो भी है हम लोग उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल, ठीक है, जिस एनवायरमेंट जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना जो भी सोचने का तरीका है, थिंकिंग प्रोसेस है या थिंकिंग आइडियोलॉजीज है, वो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो जैसे ऑस्टिन है, अब ऑस्टिन जो थे वो थे सोल्जर, ठीक है, वो थे सोल्जर, ठीक है। अब सोल्जर जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जस्ट इमेजिन दैट आई एम अ सोल्जर, ठीक है, अगर हम सोल्जर हैं, ठीक है, अगर हम सोल्जर हैं तो मेरा क्या काम है कि जो मेरे सुपीरियर ने या लेफ्टिनेंट कमांडर ने हमको कमांड दिया तो मुझे वो आंख बंद करके फॉलो करना है, आई नीड नॉट टू थिंक एनीथिंग। तो हम लोग को क्या करना है, कमांड फॉलो करते हैं, ठीक है, कमांड फॉलो करते हैं, दे नीड टू डू दैट। और अगर वो कमांड फॉलो नहीं करते तो उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है, और वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट में रहते हैं, उनको ये है कि ये करना है तो ये करना है, तो देर नो इफ बट, कोई मतलब कोई ये नहीं है कि आप बोले कि हमको करने का मन नहीं था या कुछ नहीं, नहीं, यू हैव टू डू दैट, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट कल्चर में रहते हैं, राइट और रॉन्ग, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट कल्चर में रहते हैं, ठीक है। तो जैसे स्ट्रिक्ट कल्चर में, तो इनकी थिंकिंग क्या होगी इसी चीज के अराउंड होगी, क्योंकि वो सोल्जर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या काम है, उनको कमांड फॉलो करना है, ठीक है, उनको जो कह दिया वो कह दिया, उनके अलावा उनको अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है मतलब इन द मेकिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग उनको यूज नहीं करना, आपको जो कहा गया वो आपको करना ही करना है, अगर आप नहीं किए तो आपको पनिश किया जाएगा और सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी, ना कि कोई 1 साल की 2 साल की दी जाएगी, आपको सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी, चाहे जितनी भी जो भी मूवियां देख ले वो सोल्जर के साथ यही होता। और उनके साथ क्या है, उनके साथ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नेचर का एनवायरनमेंट होता है, और उनको किससे कमांड लेना होता है, सुपीरियर जो लेफ्टिनेंट है उन्हीं का कमांड हम लोग को सुनना है, जिससे सुनना है वही हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग अपना जो फीडबैक है वो नहीं दे सकते, ठीक है, दे भी सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, बट देन टू उनका नेचर की बात करें, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी रिवॉल्व की। जैसे मैंने कहा ना, आइडियोलॉजी उसी पे बनती है जिस एनवायरनमेंट के अराउंड हम रहते हैं, ठीक है, या हो सकता है हम चेंज हो, क्योंकि जब भी कंपैरिजन करते हैं ना तो हम लोग अपनी सोसाइटी को कहीं ना कहीं रखेंगे, जैसे बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर अपनी जो सोसाइटी में थे जो उनके साथ रॉन्ग हुआ एस सी एस टी के साथ, तो वो हमेशा चाहते थे कि एस सी एस टी को प्रिफरेंस दिया जाए या प्रिविलेज दिया ताकि वो इक्विटी हो उनके साथ उनको पिछड़ा हुआ ना माना जाए, तो उनकी जो जो सारी आइडियोलॉजी थी वो उसी बेस पे थी, जिन्होंने उनकी बुक्स लिखी वो बाहर गए, वो बाहर से भी पढ़ के आए तो भी उन्होंने वही बात की, कि मुझे एससी एसटी वालों को हक देना चाहिए, छुआछूत अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे वो, ठीक है, तो यही बात है, क्योंकि वो उनका परवेश ऐसा था, उनकी सोसाइटी ऐसी थी, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ, तो उन्होंने हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमेशा जब ऐसी चीजें हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ बी आर अम्बेडकर के आइडियोलॉजीज की वजह से भी हुई है, ठीक है, तभी वो उनको पूजते हैं, राइट। तो वैसे ही जस्ट जॉन ऑस्टिन वो थे सोल्जर, तो उन्होंने थ्योरी भी दी कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, उन्होंने कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, क्योंकि वो कमांडर थे, आई मीन सोल्जर थे, ठीक है, तो उन्होंने थ्योरी भी उसी अराउंड दी, जस्ट ऑस्टिन वाज पॉजिटिव पॉजिटिव ट्विस्ट, मीनिंग दैट ही कंसर्न हिमसेल्फ ऑन व्हाट लॉ वाज इंस्टेड ऑफ गोइंग इज जस्टिस एंड फेयर, मतलब जो लॉ है अगर लेफ्टिनेंट ने या किसी ने भी लॉ बता दिया कि कमांड दे दिया तो वही करना है, ये नहीं देखना कि वो कितना सही है कितना गलत है क्या है, जस्टिस या फेयरनेस की बात नहीं है, क्योंकि जो लॉ हम लोग को किया गया है, अब हम लोग को बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जो हम लोग को सही नहीं लगते, बट देन टू दे आर अप्लाइड बिकॉज उनके अकॉर्डिंग वो जस्ट नहीं है फेयर नहीं है, लेकिन तब भी वो लॉ है, तो यही वो कह रहे हैं कि इट इज नॉट इट इज कंसर्न हिमसेल्फ ऑन व्हाट लॉ इज, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू इट, सही वो लॉ है ये नहीं देख रहे हैं कि वो सही है या गलत है, डजेंट मैटर, उनको ये कोई मतलब नहीं रखता कि वो सही है गलत, बट उनके लिए बस वो लॉ है उसको फॉलो करना है, एंड वी नीड टू डू दैट लॉ एंड अबाइड बाय द लॉ, ओके। जॉस ऑस्टिन डिफरेंशिएटेड बिटवीन लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड
and law improperly so called, and said that law properly so called are general commands. What are they? General commands. But not all of it is given by men for men. ठीक है, law क्या है? Law properly called as है कि general command. ये नहीं है कि जो एक एक आदमी ने बोल दिया दूसरे आदमी को तो वो लॉ है. नहीं, क्या है? सबके लिए वो कमांड है. एक ये नहीं है कि एक मैन ने दूसरे मैन को बोल दिया तो वो लॉ है. नहीं, यहाँ पे क्या है? जो जनरल कमांड, जो एक अथॉरिटी बोला, एक बंदा बोला है सबको, इन जनरली कमांड. ठीक है, अ स्पीशीज ऑफ लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड आर गिवन बाय पॉलिटिकल सुपीरियर. आगे नंबर कि सुपीरियर, जो पॉलिटिकल सुपीरियर है टू पॉलिटिकल इनफीरियर. अब ये लेफ्टिनेंट है जो पॉलिटिकली सुपीरियर है और ये सारे सोल्जर्स हैं. तो यहाँ पे जो मैन एक दूसरे को मैन को कमांड, इसको लॉ नहीं करेंगे, इसको नहीं लॉ प्रॉपरली को सो कॉल्ड कह रहे हैं हम लोग. लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड वही है जो एक पॉलिटिकल सुपीरियर किसको दे रहा है? पॉलिटिकल इंफीरियर को दे रहा है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ इज अ कमांड ऑफ सोल. लॉ क्या है? कमांड ऑफ सोवरेन है. कमांड, कमांड मीन्स किसी को कोई बोलना कि ये काम आपको करना ही, अगर आपने ये नहीं किया तो ये आपको पनिश कर सकता है. ठीक है, सोवरेन मीन्स कोई इंडिपेंडेंट बॉडी. अभी हम लोग इसका मीनिंग डिराइव और उनकी मीनिंग में कोई सेंस दिया हुआ है, सब कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है. दैट इज बैक्ड बाय सैंक्शन. बैक्ड मीन्स अटैच्ड बाय सैंक्शन. सैंक्शन मतलब क्या होता है? इवन कॉन्सिक्वेंसेस. सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन लगाते हैं ना कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप इविल कॉन्सिक्वेंस, मतलब इविल मीन्स कि गलत होगा. ठीक है, आपने अगर सैंक्शन नहीं फुलफिल किया तो आपको पनिश किया जाएगा. तो सोचिए जो पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो ऑस्टिन के यहां से आया है. सी कॉन्स्टिट्यूशन में या हम लोग आईपीसी में जब हम लोगों को कोई, अगर हम लोग कोई गलत काम करते हैं या हमसे कहा जाता है ये राइट और ड्यूटी आपको फुलफिल करनी ही करनी है और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको पनिश किया जाएगा, तो क्या पनिशमेंट वर्ड कहाँ से आए? यहां से आए, इस थ्योरी से आए, क्योंकि उन्होंने अपनी लॉ की थ्योरी बताई थी कि लॉ वही है जो कमांड होता है, सोवरेन देता है. सोवरेन हमारे यहाँ सोवरेन कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सोवरेन हम लोग को कमांड दे रहा है कि जो हम लोग को फुलफिल करना है, विच इज बैड कि अगर हमने ये नहीं किया तो हम लोगों को पनिश किया जाएगा. ऑस्टिन हैज प्रोपोगेटेड दैट लॉ इज अ कमांड विच इम्पोसेस अ ड्यूटी एंड फेलियर To fulfill the duty is met with the sanction. अब इनकी ये theories है. आपको ये लिखना है, ये most important line है कि Austin is a, according to Austin, command of sovereign that is backed by sanction. Law क्या है? जो command of sovereign है which is backed by the sanction. और law is a command which imposes duty. एंड फेलियर टू फुलफिल ड्यूटी, अगर कोई फेलियर हो रहा है तो क्या होगा? मीट करेगा सैंक्शन से, जो कि पनिशमेंट. लॉ हैज थ्री मेन फीचर. कमांड, दिस इज गिवन बाय सोवरेन अथॉरिटी एंड इट हैज सैंक्शन. इन तीन, इन दो लाइन से ये तीन वर्ड डिराइव किए हैं और इसको एक्सप्लेन किया गया है उन्हीं के वर्ड्स. ठीक है, In order to properly appreciate Austin's theory of law, we need to understand his conception of command and sovereign. बात वही है कि अगर Austin ने theory of law दी है, तो उनकी theory का concept क्या है? क्यों उन्होंने command of sovereign word लिया? उसको explain किया. It is an expression of wish. क्या है? Expression of wish है. क्या हम express करें कि ये मेरी चाह है या desire? किसकी चाह है? Desire की. इंटेलिजेंट पर्सन, जो समझदार पर्सन है उसकी डिजायर और विश है. क्या करेंगे वो? क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा. डायरेक्ट करेगा मतलब डायरेक्शन देगा अनदर पर्सन, दूसरे बंदे को, टू डू और फॉरबेड टू फ्रॉम डूइंग, मतलब कुछ करने के लिए कहेगा या ये बोलेगा कि ये नहीं करना. सम एक्ट एंड द वायलेशन, एंड अगर उसको कोई वायलेट कर रहा है, किसको? विश को. Which is followed by evil. बात वही की कमांड क्या है? कमांड एक विश है या डिजायर है
कौन दे रहा है? इंटेलिजेंट पर्सन दे रहा है। क्या कर रहा है, किसको दे रहा है? वो डायरेक्ट कर रहा है अदर पर्सन को कि ये करना है या ये नहीं करना कोई एक्ट, और अगर इस एक्ट को तुमने वायलेट किया या नहीं किया तो वो इविल कॉन्सिक्वेंसेस से बाइड होगा, तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर पर्सन सो डायरेक्टेड, कौन पनिश होगा? जिसको डायरेक्शन दिया गया। ठीक है, कमांड रिक्वायर। अब इसमें थ्री वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन, वायलेशन एंड इविल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ये वर्ड होने मैंडेटरी, की वर्ड है। कमांड रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ टू पार्टीज। ऑफकोर्स हम एक सुपीरियर, पॉलिटिकल सुपीरियर है, हम एक पार्टी हुए, और जो सेकेंड पार्टी है पॉलिटिकल इंफीरियर, तो वो सेकेंड पार्टी हुई, तो दो पार्टी की जरूरत है ना हम लोग को। कमांड रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ टू पार्टीज, द कमांडर, सॉरी, कमांडर दैट इज पॉलिटिकल सुपीरियर एंड कमांडेड द पॉलिटिकल इंफीरियर। सोवरेन, सोवरेन क्या होता है? एंड इन द ऑस्टिन थ्योरी सोवरेन इज अ पॉलिटिकल सुपीरियर। ठीक है, ही हैज डिफाइंड सोवरेन एज अथॉरिटी दैट रिसीव हैबिचुअल ओबीडियंस। ऑस्टिन थ्योरी, सोवरेन इज अ पॉलिटिकल सुपीरियर। सोवरेन कौन है? पॉलिटिकल सुपीरियर है। अब इनकी थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉलिटिकली सुपीरियर है, ही हैज डिफाइंड सुपीरियर। अब ये पॉलिटिकली सुपीरियर वर्ड को भी इन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये क्या सुपीरियर है, किस चीज में? ऐसी अथॉरिटी, कैसी? ऐसी अथॉरिटी दैट रिसीव्स, क्या रिसीव करता है वो? हैबिचुअल ओबीडियंस, मतलब हैबिचुअली उनकी बात सुनी जाती। ठीक है, ऐसी कोई अथॉरिटी जिनकी हमेशा, मतलब हैबिचुअली बातें सुनी जाती है, हमेशा सुनी जाती है। फ्रॉम कौन सुनता है? फ्रॉम पीपल, मतलब सुपीरियर पॉलिटिकली इंफीरियर लोग उनकी बात सुनते हैं। अथॉरिटी जिनकी पास हैबिचुअल ओबीडियंस है, क्या है किसका? बात सुनने का। कौन बात सुन रहा है? पीपल सुन रहे हैं। बट, यहाँ पे आया बट, इटसेल्फ, मतलब वो खुद जो अथॉरिटी है जिनको आदत है हैबिचुअली ओबीडियंस सुनने की, कि हाँ वो हमेशा सारे लोग मेरी बातें सुनते हैं, बट उनको किसी और की बात सुनने की आदत नहीं है, कि कोई और उनको गवर्न नहीं कर रहा है। समझ में आया? लेट मी एक्सप्लेन अगेन। अब ये पॉलिटिकल सुपीरियर है, ठीक है, पॉलिटिकल सुपीरियर है या कोई अथॉरिटी है, चलो छोड़ो। ए अथॉरिटी को आदत है, किसकी आदत है? हैबिचुअली ओबीडियंस, इसकी सारी बातें हैबिचुअली ओबीडियंटली सुनी जाती है। कौन सुनता है? पीपल। कौन सुनता है? पीपल सुनता है। ठीक है, इनको आदत है, ए को आदत है कि वो सारे लोग ए की सारी बातें सुनते हैं, बट लोगों की या कोई ए को कोई आदत नहीं है कि कोई ए किसी और की सुने। मेरी माँ को आदत है कि हम लोग उनकी बात सुने, ठीक है, लेकिन मेरी माँ को ये आदत नहीं है कि वो खुद किसी और से बात सुने। ठीक है, वो अपने ही रूल से गवर्न हो रही है। ठीक है, हम लोग उनके रूल से गवर्न हो रहे हैं, हम लोग को उनको आदत है हमारी बातें सुनने की। ठीक है, वो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग उनकी सारी बातें मान रहे हैं, उनको आदत है, वो खुश है उसमें, लेकिन उनको ये नहीं है कि वो किसी और की बातें सुन रही है या उनके अकॉर्डिंग ये काम करती है। नहीं, हम लोग अपनी माँ के गवर्न होते हैं रूल्स के एंड रेगुलेशन के, माँ किसी और के रूल्स एंड रेगुलेशन से गवर्न नहीं हो रही, क्योंकि वो होम मिनिस्टर है, वो अपने ही अकॉर्डिंग चलेंगी। कोई उनको ये कहेगा कि ऐसे करो वैसे करो, वो नहीं सुनेंगे, उनके पास कोई हैबिचुअल ओबीडियंस नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो वैसे ही कह रहा है ऑस्टिन, ऐसी अथॉरिटी जिसकी सारी बातें लोग सुनते हैं, सारी बातें लोग सुनते हैं, लेकिन उसको खुद किसी और की बात सुनने की आदत नहीं है। ठीक है, वो सुपीरियर है, वो जो कह दिया वही लॉ है, उसको ये नहीं है कि अगर हमने ये कहा है तो हमको यही करना है। नहीं, वो कुछ भी कर सकता। ठीक है, बट डज नॉट ओबे सम अदर अथॉरिटी हैबिचुअली, वो किसी और की नहीं सुनता।
अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सोवरेन इज सोर्सेज ऑफ लॉ. क्या है सोवरेन? सोर्सेज मतलब वो सारे लॉस के सोर्सेज है. मतलब अगर वो क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा है, अगर वो ये कह रहा है कि ये थेफ्ट है उसको पनिश कर रहा है तो वो बता रहा है, अगर वो सिविल लॉ को बोल रहा है कि ये एग्रीमेंट वॉइड है तो भी वो सोर्स एक इकलौता सोर्स बन रहा है, और वो दूसरी कोई कह रहा है कि टॉर्ट में ये गलत हुआ है तो भी वो सोर्स बन रहा है, अगर कोई पर्सनल लॉ में कोई इश्यूज आए तो भी वो बता रहे कि पर्सनल लॉ ऐसे नहीं ऐसे गवर्न होंगे. तो सारे सोर्सेस क्या है, वो अकेला ही सोवरेन है, वही सब बता रहे कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर. ठीक है, सैंक्शंस क्या है? इट इज एन इविल कॉन्सिक्वेंसेस दैट फॉलोज द वायलेशन ऑफ कमांड. क्या है सैंक्शन? इविल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इविल कॉन्सिक्वेंसेस है दैट फॉलोज अ वायलेशन. अगर कोई कमांड दिया गया है, अगर मेरी माँ ने कमांड दिया है हम लोग को ये काम करना, ठीक है, और अगर हमने वो काम नहीं किया तो बेलन दे जाता है ना हम लोग को. तो वैसे ही कहा गया है कि इविल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर वो कमांड को वायलेट किया गया. अगर वायलेट किया है, अगर वायलेट नहीं किया तो कोई पनिशमेंट नहीं किया, क्योंकि भाई तुमने जो कमांड दिया गया तुमने फुलफिल किया, गुड वेरी गुड. लेकिन अगर तुमने वो कमांड को वायलेट किया है तो तुम्हें फिर दंड पड़ेंगे, तो इविल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा. टू आइडेंटिफाई अ लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ सैंक्शन इज नॉट रेलिवेंट बट द एब्सेंस ऑफ सैंक्शन डिसेमिनेट्स डिसेंटाइल्स एन एक्सप्रेशन ऑफ सोवरेन फॉर्म बीइंग अ लॉ इन ऑस्ट्रेलिया. अब यहाँ पे एक सेकेंड एक बात बता रहे इन इवे, यहां तक समझ में आ गया? टू आइडेंटिफाई अ लॉ द मैग्निट्यूड ऑफ सैंक्शन इज नॉट रेलिवेंट, मतलब कि अगर हमने एक ग्लास तोड़ा है कांच का तो भी हमको दो डंडे पड़ने हैं. ठीक है, अगर हमने मान के चलो कार तोड़ दी, ठीक है, तो भी दो डंडे पड़ने हैं. तो ये नहीं मतलब है कि हम कितना बड़ा ऑफेंस कर रहे हैं, डंडे तो पड़ने ही हैं दो ठो. ठीक है, चाहे हम कार तोड़े, गेट तोड़े या एक ग्लास तोड़े, तो डांट मार तो पड़नी है. लेकिन सैंक्शन बट द एब्सेंस ऑफ सैंक्शन दिस एंटाइटल्स एन एक्सप्रेशन ऑफ सोवरेन फॉर्म बीइंग एन लॉ इन ऑस्ट्रेलिया. अब यहाँ पे अब इस लाइन में आपको क्लियर कर रही हूं बात कि जो लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड कॉल्ड में वो लॉ है जो सैंक्शन से बैक हो सकता है, लेकिन लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड वो सैंक्शन से बाइड नहीं हो सकता. अगर आप लोग जब किसी की डेथ हो तो शेव नहीं कराएंगे तो क्या हम जेल में डल जाएंगे? या मॉरल वैल्यू, सबसे पहले मॉरल वैल्यू, अगर आपने एक बेगर को खाना नहीं दिया तो क्या आपको जेल में डाल दिया जाएगा? नहीं ना. तो वो लॉज जो इम्प्रॉपर है, जो सैंक्शन नहीं दिए जा सकते, जैसे हमारे कुछ कुछ कस्टम्स को सैंक्शन या पनिशमेंट नहीं दी जा सकते, मॉरल वैल्यूज को पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, तो वो लॉ प्रॉपरली सो इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड है, जिनपे हम कुछ नहीं कर सकते. और लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड वो है जिनपे हम सैंक्शन लगा सकते. तो यही वो कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ सैंक्शन दिस एंटाइटल्स एन एक्सप्रेशन ऑफ सोवरेन. सोवरेन वही है जो कमांड दे रहा है और बैक्ड बाय द सैंक्शंस है. ठीक है, सोवरेन वही है जो कमांड दे रहा है और अगर उसका कोई वायलेशन हो रहा है तो वो सैंक्शंस लगाएगा, तो उसकी जो पावर है वो वही है, तभी वो सोवरेन है. ठीक है, दिस एंटाइटल एक्सप्रेशन ऑफ सोवरेन फ्रॉम बीइंग लॉ इन, मतलब ये कह रहा है कि लॉ वो नहीं है ऑस्ट्रेलिया, लॉ वही है जो उसको सैंक्शन, वही डिफरेंस बताया, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड. Sanction should not be confused with reward that might be an offer if a given conduct is followed. Or if reward को हमारे sanction से interlink नहीं करना. Reward वो है कि अगर तुम अच्छे से काम करो तो तुम्हें reward मिलेगा. It is a simple thing. Reward confers a positive right whereas sanction is a negative right, क्योंकि evil consequences है. और ये reward क्या? Positive consequences है कि अगर हमने अच्छा काम किया तो हमको मिठाइयाँ मिलेंगी या whatever. ठीक है, आईफोन 12 मिलेगा. अब आता है हमारा क्रिटिसिज्म. अब आप लोग क्रिटिसिज्म अगर आप लोग नहीं भी पढ़ते तब भी इतना समझाया तो इतने क्रिटिसिज्म नया क्या निकलना. ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या निकलना है? पहला कि उन्होंने जो मॉरल वैल्यूज हैं अपनी चीजों को, जो सैंक्शन जिसमें नहीं लग सकते लॉ, उस पर बात की ही नहीं, उसको लॉ मान्यता ही नहीं है. जैसे हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ से हम लोग गवर्न हो रहे हैं. जब आप लोग आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे तो आर्बिट्रेशन एक्ट हमारे
हमारे फॉरेन लॉ से, इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन से अफेक्ट है, उनका सेम है हमारा, ठीक है, उनका ही हम लोगों ने एकदम टू कॉपी सिमिलर कॉपी बनाया है, ठीक है। तो हमारा जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट है वो हमारे इंटरनेशनल लॉ से गवर्न है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो हमारे एनवायरनमेंट पे जो लॉज बनाए वो हमारे समिट कॉन्फ्रेंसेस से अफेक्टेड है। तो वैसे बहुत सारे लॉज हैं इंटरनेशनल लॉज जो हम लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने कहीं भी इंटरनेशनल लॉज या जो लॉ सैंक्शन से ही लगा सकते हैं उन पे बात नहीं किया, वो भी तो लॉ है, ऐसा तो नहीं कि वो लॉ है ही नहीं, उनसे तो हम लोग आज गवर्न हो रहे हैं तो वो लॉ नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, अब लेट्स सी व्हाट इज गिवन, वेलफेयर स्टेट्स पास ऑफ नंबर ऑफ सोशल लेजिस्लेटिव। बहुत सारे ऐसे आज के युग में हम लोग अगर क्रिटिसिज्म बनाएंगे तो आज के युग से उनकी ऑस्टिन की थ्योरी को डिफ्रेंशिएट करें कि सोशल लेजिस्लेटिव है जो भी हमारे सोसाइटी के लेजिस्लेशन के लिए बनाया गया है, जो कि वेलफेयर के लिए बनाया गया, सोशल वेलफेयर के लिए बनाया, जैसे हमारे डीपीएसपी है, हमारे ये क्या है, ये हमारे जो लॉज हैं ये क्या है, हमारे स्टेट पॉलिसीज है कि हम लोग स्टेट को ये काम करने हैं, ठीक है, डायरेक्टिव है, मैंडेटरी नेचर के नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे वेलफेयर के लिए गवर्न होते हैं, वेलफेयर के रास्ते पे होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये बात नहीं की, ऑस्ट्रेलिया ने कोई वेलफेयर की बात नहीं की, वेलफेयर स्टेट पासेस अ नंबर, हमारा वेलफेयर स्टेट है ना, हमारे बहुत नंबर ऑफ सोशल लेजिस्लेटिव पास करता है, दैट डज नॉट कमांड द पर्सन, वो कमांड नहीं कर रहा है, जैसे डीपीएसपी इज नॉट अ मैंडेटरी नेचर, वो एक डायरेक्टिव है बट कन्फर्स राइट एंड बेनिफिट अपॉन, अगर वो कोई करता है तो उसको राइट एंड बेनिफिट्स मिलेंगे। सच लॉ इज नॉट कवर्ड बाय कमांड, कहीं पे भी आपने पढ़ा कि कोई वेलफेयर के लिए काम, वेलफेयर वेलफेयर यहाँ पे पूरे इनके थ्योरी में सोसाइटी पर्सन को ही नहीं इंपॉर्टेंस दी है, तो सोसाइटी के तो बहुत दूर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सोवरेन डज नॉट हैव टू ओबे एनीवन। अब हमारे यहाँ पे जो लॉ बना रहे लेजिस्लेटिव बॉडी है वो उसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, और उसका भी इंटरप्रिटेशन करने के लिए जुडिशरी बैठा है कि नहीं बैठा, अगर कोई पार्लियामेंट में गलत लॉज बन रहा है तो बेसिक स्ट्रक्चर पे वो इन्फ्रिंज कर सकता है, वो रोक सकता है, जुडिशरी रोक सकता है क्योंकि वो कस्टोडियन है, ठीक है, वो रोक सकता है। तो उसके ऊपर भी आज लेजिस्लेटिव बॉडी के ऊपर भी तो कॉन्स्टिट्यूशन बैठा है ना हमारा, हम लोग को पावर देने का, हमारी राइट को इन्फ्रिंज ना हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सोवरेन इज सोवरेन, उसने उसके पास कोई हैबिचुअल ओबीडियंस नहीं है, डज नॉट हैव टू ओबे एनीवन, बट द मॉडर्न स्टेट हैव देयर पावर लिमिटेड बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट मेक लॉज व्हिच वायलेट द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसे कोई लॉ नहीं बना सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करे या गलत करे, वायलेट करे। ऑस्टिन डज नॉट प्रोवाइड जजमेंट। अब जज भी कुछ इंटरप्रिटेशंस होती हैं, जैसे अडल्ट्री एक क्राइम है, अब जो वो सोसाइटी में देख रहा है कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो जज अडल्ट्री को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया ना इन द फॉर्म ऑफ ऑफेंस, की ऑफेंस नहीं रहेगा, तो ये क्या है, जज ने डिक्लेयर किया ना कि इस केस के, जोसेफ शाइन के केस पे ये डिक्लेयर किया गया है कि अडल्ट्री एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस है, इस पे कोई भी पनिशमेंट आपसे नहीं हो सकती। तो यही क्या है, जज भी इंटरप्रेट करता है, जज भी देखता है कि सोसाइटी में सोशल नीड्स क्या है, सोशल वेलफेयर नीड्स क्या है, ठीक है। ही सेड जज वर्क अंडर द टैसिट कमांड ऑफ सोवरेन, बट इन रियलिटी जज मेक्स अ पॉजिटिव लॉ। वो क्या सोचता था, वो ये सोचता था कि लॉ क्या है, जज क्या है, उनका ये सिर्फ यही काम है, जो उनको कमांड दे है वही फुलफिल करना बस, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है, जज भी ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव लॉ बनाते हैं जिसमें हम लोग रियलिस्टिक स्कूल में हम लोग स्कॉलर्स को देखते हैं। सिंस द प्रेजेंस ऑफ सोवरेन इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर प्रपोजिशन टू कॉल्ड एज लॉ, ऑस्टिन डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी इंटरनेशनल लॉ एज बिकॉज दे आर नॉट बैक्ड बाय द सो। वो कोई भी इंटरनेशनल लॉ वो नहीं देखता जो बैक्ड नहीं है, उसको वो लॉ नहीं मानता, ए लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड मानता है, क्योंकि वो सैंक्शन से अबाइड नहीं होता। थैंक यू क्लास।